हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 माय बॉडी। ये साइंस का चैप्टर 1 है माय बॉडी। ठीक है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है ये। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले डी है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? नेम ऑल द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमें नेम बताने हैं ऑल द सेंस ऑर्गन्स। तो कौन से हैं वो? वी हैव। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। ओके हाँ जी, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन से हैं वो 5 सेंस ऑर्गन्स? आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। क्लियर, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है? What does our nose help us to do? What does our nose help us to do? तो क्या करती है हमारी नोज़? किस में हेल्प करती है? क्या करने में हेल्प करती है? तो our nose help us to do smell। तो हम अपनी नोज़ की सहायता से क्या करते हैं? स्मेलिंग, ये स्मेल में हमारी हेल्प करती है कि हमें गुड स्मेल, बैड स्मेल, जो भी स्मेल होती है वो हमें नोज़ के थ्रू ही पता चलती है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, What type ऑफ साउंड आर डिफ्रेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स? ठीक है, वट टाइप्स ऑफ साउंड आर डिफ्रेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स। तो कौन कौन सी साउंड्स हैं जो हमारे ईयर्स के द्वारा, कान के द्वारा की जाती है डिफ्रेंशिएट? तो कौन सी है वो? लाउड एंड जेंटल साउंड। ठीक है, एक तो लाउड साउंड होती है और एक जेंटल साउंड। ठीक है, आर डिफ्रेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन फोर, Why should we meditate and exercise regularly? हमें क्यों करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज हमें रेगुलर क्यों करना चाहिए? क्योंकि we should meditate and exercise regularly to relax and tone up our body। ठीक है, to relax and tone up our body। क्लियर हो गया। तो इसमें एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। We should meditate and exercise regularly to relax and tone up our body। क्लियर हो गया। इसका ये पार्ट ई है। ठीक है, पार्ट ई करते हैं। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। हमें नेम बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर, सबसे पहले क्या है? स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट हैं वो आपके? स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन टू, जैसे मान लो ये आपकी टंग है। क्या है आपकी ये टंग? ये आपकी टंग है, तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सोर एंड साल्टी टेस्ट होता है, यहाँ पे आपका स्वीट होता है और यहाँ पे आपका बिटर होता है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आपका डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसको, ये जो आपका टेस्ट होता है टंग का। क्लियर। दूसरा क्या है? क्वेश्चन सेकंड है, हाउ आर आइज़ यूज़फुल टू अस? आंखें हमारे लिए क्यों यूज़फुल, मतलब कैसे यूज़फुल हैं? तो किस तरीके से यूज़फुल हैं ये हमारे लिए? आइज़ हेल्प अस टू सी। जो आपकी आइज़ होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं? देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दे आल्सो हेल्प अस टू Get an idea। Okay, they also help us to get an idea of the distance of various object। ठीक है, तो इससे हम, इसकी जो आंखों की सहायता से हम क्या करते हैं? आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस होता है, मतलब वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम अपनी आंखों के थ्रू ही पता लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो हम अगर हम देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? लिस्ट सम प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स अराउंड अस। ठीक है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट सम प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड अराउंड अस। तो कौन से हैं प्लीजेंट? चिरपिंग ऑफ बर्ड एंड म्यूजिक आर प्लीजेंट साउंड। चिरपिंग ऑफ वर्ड, जब आप जो आपके जो वर्ड्स होते हैं कभी आप उनको मतलब चहचहाते हुए सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कानों को ना। तो क्या है चिरपिंग ऑफ वर्ड एंड म्यूज़िक, जो म्यूज़िक होता है आर प्लीजेंट साउंड, ये क्या आपके प्लीजेंट साउंड है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज़, जब बच्चे मतलब शरारत करते हैं, शोर करते हैं। एंड लाउड हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, जब व्हीकल्स का जब उसके जो हॉर्न को जब लाउडली उसको मतलब बजाया जाता है उसको, है ना, लाउड हॉर्न ऑफ व्हीकल आर अनप्लीजेंट साउंड, ये क्या होती है अनप्लीजेंट साउंड होती है, काफ़ी इरिटेटिंग साउंड होती है। ठीक है। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है राइट द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमें रोल बताना है स्किन का, हमारी बॉडी में क्या रोल है स्किन का। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। स्किन हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस, जो आपकी जो स्किन होती है वो हेल्प करती है किस में, ये फील करने में हेल्प करती है स्मूथ एंड रफ सरफेस, जो स्मूथ और रफ सरफेस होता है उसको वो फील करने में क्या करती है हेल्प करती है। नॉट एंड कोल्ड थिंग्स, नॉट एंड कोल्ड, सॉरी नॉट, इसके बाद में क्या है एंड कोल्ड थिंग्स, जो कोल्ड थिंग्स होती है उनको भी आप महसूस कर सकते हो। क्लियर। स्किन आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो स्किन होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे, वो हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में, हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रेजेंट बिलो इट, प्रेजेंट बिलो इट। ठीक है, इसके बाद में क्या है राइट एनी टू एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज़ मोर देन वन सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमें कोई राइट एनी टू एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज़ मोर देन वन सेंस ऑर्गन्स। तो ठीक है वी यूज़ आवर आइज़, ठीक है, हम अपनी आँखों का यूज़ करते हैं। एंड ईयर्स वाइल वॉचिंग टीवी, ठीक है, तो हम अपनी आँखों का और किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ आवर आइज़ एंड ईयर्स वाइल वॉचिंग टीवी। ठीक है, क्योंकि टीवी को देखते टाइम में आपको आँखों की भी ज़रूरत पड़ती है और कानों की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। वी यूज़ आवर टंग एंड आइज़ वाइल रीडिंग अ बुक लाउडली। ठीक है, जब आप बुक पढ़ते हो तो आप उसको देख के पढ़ते हो और साथ में आपको टंग की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे आप बोल पाते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं राइट एनी टू एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज़ मोर देन वन सेंस ऑर्गन्स। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसमें आपका आई पहला है, ईयर्स, ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्या नोज़, एंड ये क्या आपकी टंग, ठीक है, टंग, और ये आपका स्किन, जो स्किन है ना ये इस तरह जो ये पूरी इसमें जो लगी पड़ी है जो स्किन होती है ये क्या आपकी ये सारी पूरी स्किन है, तो ये स्किन, ठीक है, तो ये आपके ये क्या है पूरे